हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके हमारे चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप सब क्रोम ब्राउजर में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो या फिर इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी पक्का दबा दीजिए ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप डार्क मोड को इनेबल करके क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हो तो आपका मोबाइल का जो बैटरी है ना, वो बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पहले जितना परसेंट चार्ज लेता था तो उससे कम लेगा। तो उसके बाद फिर आपका आँखों का भी जो नुकसान है ना, वो भी कम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउज़र है तो उसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो आप अपडेट कर लेना, लेकिन मेरे पहले से ही अपडेट है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है CSROME क्रोम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोलोन देना है। तो कोलोन देने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्लैश फिर उसके बाद फ्लैक्स लिखना है। ठीक है, FLAGS। तो उसके बाद फिर आपको सर्च कर देना है। तो चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर लिखा है सर्च फ्लैक्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है DARK, उसके बाद फिर MODE डार्क मोड। तो उसके बाद फिर आपको सर्च कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लिखा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इनेबल पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे भी जहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर इनेबल पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, री लॉन्च पर क्लिक कर देना है। मतलब कि री लॉन्च नाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद फिर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं न्यू टैब पर जाता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एकदम कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपको अब रिसेंट ऐप पर जाना है। जाने के बाद इसको आपको क्लीन कर देना है। ठीक है, मतलब कि क्रोम ब्राउज़र को। तो क्लीन करने के बाद फिर आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में जो तीन आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आप भी अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डार्क मोड है तो वो यहाँ पर इनेबल हो गया है। मतलब कि यहाँ पर डार्क मोड लिखा आ गया है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डार्क मोड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो ऑन करने के बाद फिर बैक करना है। तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो बैक करने के बाद अभी अब यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर डार्क मोड इनेबल हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी सर्च करूँगा तो वो डार्क मोड में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरा ही नाम सर्च कर लेता हूँ चैनल का। तो उसके बाद फिर सर्च कर देता हूँ। तो आप ये व्यवहार देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क मोड में आया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।